प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वन एड्रेस आर्किटेक्चर जो कि हमारा एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर था, तो उस आर्किटेक्चर में, एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में किसी भी ऑपरेशन के लिए वन ऑफ द ऑपरेंड जो है एक्यूमुलेटर के अंदर रहता है और वो मेमोरी से ही आएगा, और दूसरा जो ऑपरेंड है वो किसी रजिस्टर या मेमोरी में रहता है, और फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है और एक्यूमुलेटर से मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये लेक्चर क्या है, थोड़ा छोटा होगा, इस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ही पार्ट बचा है, तो जितना ये थोड़ा पार्ट बचा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। कोई आया है? मैं एक बार तो वन एड्रेस आर्किटेक्चर में, एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में वन ऑफ द ऑपरेंड हमारा एक्यूमुलेटर में रहता है और दूसरा ऑपरेंड मेमोरी या किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में रहेगा, और फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर यानी एसी रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर। तो वो भी सिंपल है, टू एड्रेस थ्री एड्रेस, जैसा कि नाम से क्लियर है कि टू एड्रेस मींस के जो ऑपरेंड्स की हम बात करते हैं, जैसे वन एड्रेस मींस वन एक ऑपरेंड, जो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास अवेलेबल होगा वो दो ऑपरेंड या तीन ऑपरेंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर, दैट मींस इंस्ट्रक्शंस आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है कि जो कमर्शियल कंप्यूटर्स हैं मॉडर्न टाइम के, तो वो ये आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जनरली टू एड्रेस आर्किटेक्चर। तो दो एड्रेस जो होंगे तो दो एड्रेस में से कोई भी एड्रेस मेमोरी या रजिस्टर हो सकता है, एक मेमोरी एक रजिस्टर, दो दो रजिस्टर या दोनों मेमोरी। तो मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर जो पहले हमने बताया था कि मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट अगर जैसे कोई डेटा कॉपी हो रहा है मूव एक्स कोमा वाई, जहां एक्स और वाई दोनों मेमोरी लोकेशंस हैं, तो पहले किसी रजिस्टर में आएगा एक मेमोरी से और उस रजिस्टर से फिर मेमोरी में जाएगा, क्योंकि इंटरफेस के तौर पर रजिस्टर तो होना ही होना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह है, ओपी डीएसटी सोर्स, ये ओपी मीन्स ऑपकोड ऑपरेशन, डेस्टिनेशन सोर्स, इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन है हमारा वो इस तरह होगा कि मेमोरी पॉइंटेड बाय डेस्टिनेशन, ऑपरेशन मेमोरी पॉइंटेड बाय सोर्स, मतलब ये सोर्स और डेस्टिनेशन द्वारा पॉइंटेड मेमोरी है, मेमोरी इन द सेंस कि रजिस्टर्स एज वेल एज मेमोरी, उन दोनों के बीच ऑपरेशन होगा और ये जो फर्स्ट वाला है डीएसटी इसमें स्टोर हो जाएगा। अब ये तो हमने क्या है कन्वेंशन बना रखा है, ये भी हो सकता है कि डीएसटी हमारा ये दूसरा वाला हो, डिपेंडिंग ऑन सीपीयू आर्किटेक्चर कि उस सीपीयू में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कहाँ और कैसे स्टोर हो रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। जैसे कोई एग्जाम्पल है, हमने लिया एड आर वन कोमा बी, इसका मीनिंग ये है कि आर वन रजिस्टर के कंटेंट और मेमोरी लोकेशन बी के कंटेंट, आर वन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन बी के कंटेंट्स आपस में ऐड होंगे और जो फाइनल रिजल्ट है वो आर वन में स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट वाला मीनिंग दिस आर वन प्लस मेमोरी पॉइंटेड बाई बी कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन बी एडेड टूगेदर एंड फाइनल रिजल्ट इज एडेड टू स्टोर टू आर वन। तो यहां पे दो एड्रेस फील्ड हैं, तो दिस इज ए टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें इसका ये है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि ओपी वन एड्रेस ऑपरेंड यहाँ पे पड़ा हुआ है एक मेमोरी में,
दूसरा ऑपरेंड मेमोरी हम यहाँ सिंपली शो कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल केस. जनरली वन मेमोरी वन रजिस्टर और बोथ ऑफ द रजिस्टर कैन बी पॉसिबल. तो दो ऑपरेंड्स, इसको ऐसे मान के चलो कि मेमोरी तो भले ही मैंने डिनोट वो शो किया हुआ है, बट एक ऑपरेंड मेमोरी से, एक रजिस्टर से, या दोनों रजिस्टर से, कहीं से भी कोई ऑपरेंड आ सकता है, और ये दोनों ऐड होंगे यहाँ. और फाइनल जो रिजल्ट जाएगा ऐड होके, वो फिर डेस्टिनेशन, मतलब कि वन ऑफ द ऑपरेंड विल वर्क एज ए डेस्टिनेशन. जो दोनों ऑपरेंड हैं, लोकेशन हैं, उनमें से किसी एक ऑपरेंड की लोकेशन पर फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा. तो दिस इज ए टू एड्रेस आर्किटेक्चर. इसका एडवांटेज ये है कि ये मीडियम साइज के प्रोग्राम्स को डिनोट करता है. मीनिंग क्या है कि जो हमने लिखा है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को जब ये लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा, मशीन प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, तो वो मीडियम साइज का होगा. मीडियम साइज इन द सेंस कि जब हम थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर करेंगे तो हमारा जो लो लेवल प्रोग्राम जनरेट होगा कंपाइलर के द्वारा वो और छोटा होगा. जीरो एड्रेस वन एड्रेस में बड़ा होता था, तो जैसे जैसे ये टू एड्रेस से थ्री एड्रेस की तरफ आएंगे, द साइज ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम, मशीन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, एक्चुअली रिड्यूसेस. और लॉजिकल इसमें यह है कि इंस्ट्रक्शन की साइज बढ़ जाती है बट प्रोग्राम की साइज कम हो जाती है. वो इसलिए कि एक इंस्ट्रक्शन जो वर्क परफॉर्म कर रहा था जीरो एड्रेस वन एड्रेस में, अब यहां सिंगल इंस्ट्रक्शन मोर वर्क परफॉर्म कर रहा है, स्टोरेज का एज वेल एज द ऑपरेशन का. और ये जो reduces length of instruction as compared to three address instruction and space requirement. Three address architecture होगा तो obviously कि अगर तीन addresses field हैं तो instruction की size, instruction code दोनों ही बड़े होंगे. तो इसका एक example लेते हैं. जैसे ये expression, same expression जो previously हमने इसको calculate किया था, x equals to a plus b into c minus d. तो ये कैसे परफॉर्म होगा, इसको यहां देखो. LDA R1 comma x, ये एक्चुअली हाँ, इसको मैं जो एक्चुअल है वो मॉडिफाई कर देता हूँ. तो इसमें आएगा LDA R1 में हम क्या है, कोई मेमोरी लोकेशन a से लोड किया, मींस कि मेमोरी लोकेशन a से डेटा R1 रजिस्टर में लोड करना, मतलब कॉपी. LDA इंस्ट्रक्शन मतलब लोड इंस्ट्रक्शन, मींस कि वही है कि लोडिंग द रजिस्टर मींस कॉपीइंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर. तो मेमोरी लोकेशन A से डेटा रजिस्टर R1 में कॉपी किया, फिर ऐड किया R1 कॉमा B. तो R1 में मेमोरी लोकेशन A के कंटेंट्स हैं, मेमोरी लोकेशन ए के कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन बी के कंटेंट से ऐड हो जाएंगे यहाँ, और ऐड होके फाइनल रिजल्ट आर वन में ही स्टोर हो जाएगा. ओके, तो अब ये आर वन आर टू ये सब जनरल पर्पज रजिस्टर है, तो इसको अब अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट को. जैसे एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में हमने किया था कि जो ओवरऑल रिजल्ट आया उसको एक्यूमुलेटर में होता था तो उसको हम वापस मेमोरी में स्टोर करते थे क्योंकि एक्यूमुलेटर फिर यूज में आना होता था. अब रजिस्टर R1 में कंटेंट्स हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट ऑपरेंड C R2 में लोड कर दिया और सब R2 कॉमा D कर दिया, मतलब R2 यानी C माइनस D, R2 माइनस D, इसका मतलब ये है R2 माइनस D. हाँ मनीष, पूछ रहे हो कुछ? मनीष भास्कर, यू हैव रेज्ड योर हैंड, सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग क्लियर इट. तो LDA R2 कॉमा C, C के कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन C के R2 में आ गए, और यहाँ R2 कॉमा D, सब R2 कॉमा D, R2 माइनस D बेसिकली.
तो सी माइनस डी परफॉर्म होके फिर आर टू में स्टोर हो जाएगा। तो आर वन में ए प्लस बी हो गया, आर टू में सी माइनस डी हो गया। तो अब मल्ट कर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, मल्ट आर वन कोमा आर टू, तो आर वन में ए प्लस बी है और आर टू में सी माइनस डी है, दोनों मल्टीप्लाई होके फिर वापस आर वन में स्टोर हो जाएंगे। यहां से देखो आर वन इंटू आर टू एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज आर वन, आर वन में स्टोर हो गए, कंप्लीट ये वाला एक्सप्रेशन दिस वन, और आर वन में स्टोर हो गया तो आर वन से एक्स में फिर स्टोर कर दिया, एस टी एक्स कोमा आर वन, मीन्स कि जो आर वन के कंटेंट्स हैं आर वन के वो मेमोरी लोकेशन एक्स पर कॉपी कर दिए गए, तो फाइनल रिजल्ट एक्स मेमोरी लोकेशन पर आ गया। सो दैट इज ए टू एड्रेस आर्किटेक्चर। अब हम चलेंगे थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर की तरफ। तो एज यूजुअल थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर में हमारे तीन एड्रेसेस ऑपरेंड होंगे, जिसमें से दो ऑपरेंड ऑपरेशन के लिए यूज होंगे और तीसरा जो एड्रेस होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। टू एड्रेस में क्या था कि वन ऑफ द ऑपरेंड वाज यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन, बट यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, दो पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और तीसरा लोकेशन जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होगा। और बाकी एज यूजुअल जैसे ये लिखा है देयर मे बी फोर्थ एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजुअली इंप्लिसिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर। सो एज यूजुअल एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी हैविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे और कहां से लाया जाए नेक्स्ट ऑपरेंड। तो दिस इज द टास्क ऑफ द प्रोग्राम काउंटर बेस्ड। तो ये क्या है इस टाइप के मशीन जो यूज करती हैं थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर, दैट वाज ए साइबर 170, और भी मशीन्स हैं बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और जो तीन एड्रेसेस हैं उनमें से कोई भी एड्रेस इंडिपेंडेंटली मेमोरी या रजिस्टर को स्पेसिफाई कर सकता है। तो इसको इसका जो कंसिक्वेंस है सिंपल एग्जाम्पल वो यही है कि कोई इंस्ट्रक्शन है एड RES OP1 OP2, ऐड तो ऑपकोड हो गया, तो ऑपकोड और ये OP1 OP2 में दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्टेंट RES पे ये स्टोर हो जाएगा। ऐड की जगह चाहे तो हम OP भी लिख सकते हैं कि इन जनरल कोई ऑपरेशन, और यहाँ जो OP ऑपरेशन है वो OP2 OP1, so OP2 एंड OP1 इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो इसमें स्टोर हो जाएगा जो पहला वाला। तो इसको देखते हैं इस, और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन वही है जैसे कि एज यूजुअल करते हैं, OP1 आया इसमें OP2 आया और दोनों को ऐड होके अब ये एडिशन यानी रिजल्ट जो है तुम्हारा न्यू मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, मतलब पिछले वाले में जो था टू एड्रेस में कि वो दोनों में से किसी एक लोकेशन पर जाता था, जिस लोकेशन से डेटा आते थे उन दोनों लोकेशन से किसी एक लोकेशन पर जाता था, बट इसमें जो लोकेशन है वो तीसरी है वो न्यू लोकेशन है। और ये एज यूजुअल हम अपने instructions को assume करके चल रहे हैं 4-byte instruction, तो 24 bits are used to denote the address, किसी भी तरह का address denote होगा memory address तो वो 24 bit का होगा, that will be the part of program counter for next instruction। अब इसका एक example वही same तो इसमें सेम एग्जांपल को जो हम टू एड्रेस वन एड्रेस में लेते रहे हैं सेम एग्जांपल्स को हम यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि पहले तो कंपाइलर ए प्लस बी के लिए इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, तो कंपाइलर ने जनरेट किया एड आर वन कोमा ए कोमा बी, दैट मींस कि
जो ऐड है वो ए प्लस बी, जो दो लोकेशंस हैं ए और बी, इन दोनों पर एडिशन परफॉर्म होगा। इस तरह मेमोरी पॉइंटेड बाई ए प्लस मेमोरी पॉइंटेड बाई बी, दोनों पर एडिशन परफॉर्म होके और तीसरी लोकेशन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंटली रजिस्टर में मेरी कोई कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है, किसी में ए लिखा है बी लिखा है, तो ऑल द थ्री कैन बी द रजिस्टर ऑल्सो। जैसे यहाँ ये भी हो सकता था कि एड आर वन कोमा आर टू कोमा आर थ्री, बट वो तब होगा जब फिर मेमोरी से कंटेंट्स करिस्पॉन्डिंग रजिस्टर में कंपाइलर लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जनरेट करेगा। तो इन दो लोकेशन से डेटा ऐड होके आर वन में स्टोर हो गया, तो आर वन में ए प्लस बी आ गया। इसी तरह सी माइनस डी का आर टू में आ गया, सब आर टू कोमा सी कोमा डी, तो मेमोरी पॉइंटेड बाई सी माइनस मेमोरी पॉइंटेड बाई डी ये आया, तो ये आर टू में स्टोर हो गया। तो आर वन में ये कंप्लीट है, आर टू में ये कंप्लीट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्ट एक्स कोमा आर वन कोमा आर टू, आर वन आर टू को मल्टीप्लाई करके आर वन आर टू के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन एक्स पर सेंड कर दिया, जो कि यहाँ एक्स इक्वल टू। तो इस तरह ये हमारा तीन इंस्ट्रक्शंस में एक्सप्रेशन इवेल्यूएट हो गया। दैट मींस जो मशीन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है ये हमारा कंप्लीट ये तीन लाइन में हो गया, जबकि प्रीवियस केस में इट वाज ऑफ सिक्स लाइन प्रोग्राम। यही वन एड्रेस टू एड्रेस आर्किटेक्चर में और ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो इसका बेनिफिट ये है कि इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो कंपाइलर जनरेट करता है। ओके, तो अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज तो यही है कि ये छोटे प्रोग्राम को डिनोट करता है, एज वी हैव सीन के ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में है, तो इट डिनोट्स द शॉर्टर प्रोग्राम, जबकि एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्यूएट करने के लिए। और डिसएडवांटेज ये है कि एक इंस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, थ्री एड्रेसेस आर देयर, तो ऑब्वियसली के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है यानी इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स उनकी संख्या ज्यादा होगी, सो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल बी बिग, मीन्स की जो उसकी लंबाई है इन टर्म्स ऑफ बिट्स इंस्ट्रक्शन की, दैट विल बी द बिगर वन एज कंपेयर टू ऑल अदर सीपीयू आर्किटेक्चर्स। और ये कॉमनली यूज नहीं होता है, कॉमनली यूज जो है वो टू एड्रेस आर्किटेक्चर एंड एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर। एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर ओल्ड हो गया, तो टू एड्रेस आर्किटेक्चर है दैट इज कॉमनली यूज, के वन ऑफ द ऑपरेंड विल वर्क एज ए डेस्टिनेशन ऑल्सो। तो एग्जाम्पल एक और हम देख सकते हैं, जैसे एक एक्सप्रेशन है एवेल्यूट करना है हमें, एक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई, पिछले वाले में यहाँ पे ब्रैकेट था डी माइनस ई पे, अब थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। अब इस हम कर क्या रहे हैं कि इस जो ये एक्सप्रेशन है इसको तीनों से एवेल्यूट कर रहे हैं बारी बारी से, जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस नजर आता है। एक्सप्रेशन हमारा है एक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई, ये चाहे तो हम इसमें कॉपी कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने ऊपर कॉपी कर दिया सो दैट कि हमें आइडिया तो लगेगा कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है। तो दिस इज लाइक दिस, तो मैं इसको दिस इज अवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन,
तो ये तीनों एड्रेस आर्किटेक्चर से इसको इवेल्यूएट करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो इसको अगर थ्री एड्रेस से करें तो यू कैन सी एड एक्स कोमा बी कोमा सी, बी प्लस सी को ऐड किया, बी सी को एक्स में स्टोर कर दिया और फिर एक्स जो आया उसको मल्टीप्लाई किया डी के साथ, मल्ट वाई कोमा एक्स कोमा डी, तो एक्स और डी को मल्टीप्लाई किया वाई में स्टोर किया और वाई ये कंप्लीट हो गया तो वाई माइनस ई करना है, उसको ए में फाइनली स्टोर कर दिया। ये है थ्री एड्रेस। टू एड्रेस में हमने क्या किया कि एक्चुअली ये ए ना लेके कोई रजिस्टर ले लेते हैं, है ना, तो लोड आर वन कॉमा बी और एड इसको यहाँ पे लेते हैं लोड आर वन आर कॉमा बी, आर रजिस्टर है तो आर में मेमोरी लोकेशन बी के कंटेंट्स लोड कर दिए और इसको एड कर दिया सी के साथ। तो सी में क्या, अब आर में क्या आ गया, बी प्लस सी, एक तरह से बी प्लस सी आ गया क्योंकि ये टू एड्रेस आर्किटेक्चर में यही है कि आर एड आर कॉमा सी मीन्स आर और सी के कंटेंट्स ऐड होके आर में स्टोर हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया आर को डी से जो आर में है, तो आर में फिर वही रह गया बी प्लस सी पहले था और डी और मल्टीप्लाई हो गया और फिर इसको सबट्रैक्ट कर दिया ई से, आर को ई से और अब स्टोर कर देंगे ई को एस टी ए ए में करना है ना मेमोरी लोकेशन ए, तो ये आर में ही है कंटेंट्स एस टी ए ए कॉमा आर, तो रजिस्टर आर से कंटेंट्स कॉपी कर दिए मेमोरी लोकेशन ए पर। वन एड्रेस में देखो एल डी ए बी, एक्यूमुलेटर में बी आया उसको सी के साथ ऐड कर दिया, एक्यूमुलेटर में बी प्लस सी हो गया ए सी रजिस्टर में और ए सी रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया डी को, फिर वो ए सी रजिस्टर में रहा ये बी प्लस सी इंटू डी, सबट्रैक्ट कर दिया एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को ई से और फिर स्टोर कर दिया एस टी ए ए, मीन्स कि एक्यूमुलेटर में जो भी है वो मेमोरी लोकेशन ए पर कॉपी हो गया। जीरो एड्रेस में स्टैक पर डालेंगे हम पुश बी पुश सी, पुश बी मीन्स कि मेमोरी लोकेशन बी से कंटेंट्स स्टैक टॉप पर आए, फिर पुश सी किया तो सी सबसे टॉप पे आ गया, ऐड कर दिया तो पॉप हुए दो कंटेंट्स बी एंड सी, दोनों ऐड हुए, ऐड होके फिर रिजल्ट पुश हो गया स्टैक टॉप पे बी प्लस सी आ गया। अब पुश डी किया तो बी प्लस सी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्टैक टॉप पे बी प्लस सी है तो ये बी प्लस सी इंटू डी हो गया यहाँ मल्ट के साथ, और फिर पुश ई तो ये पूरा ऑपरेशन बी प्लस सी इंटू डी, ये तो स्टैक टॉप पे है ही बी प्लस सी इंटू डी स्टैक टॉप पे है, अब पुश ई स्टैक टॉप पे ई पुश कर दिया और सबट्रैक्ट किया तो ये जो स्टैक से निकल के ई उसमें से सबट्रैक्ट हो गया और पॉप ए मीन्स कि जो स्टैक पर कंप्लीट रिजल्ट आया उसको पॉप करके ए पे स्टोर कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो ये लेक्चर आज फिनिश होता है हमारा ही, अगर किसी को कुछ पूछना हो he or she can ask।